नमस्ते। तीसरे दिन का केस, एक 48 साल का पेशेंट है, एब्डोमिनल पेन लेके आया है और नौशिया वॉमिटिंग है, डायबिटीज का पेशेंट है। अब यहीं से आपको तो डायग्नोसिस समझ में आने लग गया होगा, पर फिर भी हमने देखा तो डिहाइड्रेटेड है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, कन्फ्यूज्ड है, थोड़ा सा अल्टर्ड सेंसोरियम में है, RBS करके देखी 450 है। अब आपको पता है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी इसका यूरिन कीटोन करके देखेंगे। जब भी किसी पेशेंट की RBS 200-250 से ऊपर आती है, ज़रूर एक सिंपल डिपस्टिक का टेस्ट होता है, OPD में लग सकता है, ICU में लग सकता है, एक डिपस्टिक से तुरंत यूरिन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेन हाइपरग्लाइसीमिया है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। हमारे बंदे के यूरिनरी कीटोन्स पॉजिटिव हैं, ही इज़ अ केस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या होता है, कैसे होता है, समझने की कोशिश करते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कैसे डिफाइन करेंगे, शुगर बहुत बढ़ी हुई होगी, 250 से 800 तक हो सकती है, बाइकार्ब कम होंगे, अगर आप ABG करने जाओगे या इलेक्ट्रोलाइट्स करोगे बाइकार्बोनेट कम आएंगे, pH कम आएगी, एसिडोसिस होगा, ये एसिडोसिस मेटाबॉलिक होगा, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रहा होगा, पेशेंट बहुत हाँफ रहा होगा, कुसमूल्स ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं कि जिसमें कीटोन की स्मेल आती है और एक टिपिकल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग मिलेगा। अगर आप NIN गैप समझते हैं तो वो बढ़ा हुआ आएगा, 10-12 नॉर्मल वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा होगा। ऑस्मोलैरिटी सीरम की बढ़ी हुई होगी, तो ड्राई सीरम होगा, कंपैरेटिवली थिक सीरम होगा। अगर आप ब्लड केमिस्ट्री भेजेंगे तो उसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट्स बढ़े हुए होंगे या सीरम कीटोन्स बढ़े हुए होंगे, BHB इज मोर स्पेसिफिक फॉर कीटोएसिडोसिस, और यूरिनरी कीटोन्स भी बढ़े हुए होंगे, डिपस्टिक टेस्ट में भी दिख जाते हैं। ये तो जनरल बात हुई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। क्यों होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अक्सर Type 1 डायबिटीज वालों में ज्यादा होता है बजाय Type 2 डायबिटीज वालों के। कई बार एक 15-20% पेशेंट्स तो प्रेजेंट इसलिए करते हैं, पहला प्रेजेंटेशन ही उनका डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है रादर देन सिंपल अदर सिम्टम्स। दूसरा कॉमन कॉज क्या है कि सब इंसुलिन लगाते थे, आज नहीं लगाया, पूरा खाना खा लिया और एकदम से शुगर बहुत बढ़ गई और कीटो एसिडोसिस हो गया। उससे भी ज्यादा कॉमन कॉज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या कि किसी भी पेशेंट को कुछ किसी और तरह का स्ट्रेस हुआ, मान लीजिए किडनी फेलियर में जा रहा है उसके कारण हो गया, MI हुआ उसके कारण हो गया, कोई भी बॉडी को स्ट्रेस हुआ, न्यूमोनिया हो उसके कारण हो गया, या UTI हुआ उसके कारण हुआ, किसी भी तरह का इन्फेक्शन या स्ट्रेस बॉडी पे पड़ा उसके कारण स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज हुए। कौन से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, जैसे आपके कॉर्टिसोल हुआ, ग्लूकागॉन हुआ, ग्रोथ हार्मोन हुआ, कैटेकोलामिन्स रिलीज हुए, MI के साथ में बहुत सारा सिंपैथेटिक ओवरड्राइव हुआ, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, शुगर बहुत बढ़ गई, खूब सारा हाइपरग्लाइसीमिया हुआ और इंसुलिन कम पड़ रहा है ऑलरेडी पेशेंट को, तो इंसुलिन डेफिशिएंसी है और स्ट्रेस हार्मोन के कारण शुगर बहुत बढ़ी हुई है। ये जो मिसमैच है दिस विल कॉज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्यों? क्योंकि शुगर तो बढ़ी हुई है लेकिन इंसुलिन कम है, बॉडी को लगता है कि स्टारवेशन चल रहा है। वो ये नहीं समझ पाती कि इतनी शुगर बढ़ी हुई है तो पेशेंट स्टार्व नहीं कर रहा, लेकिन बॉडी समझती है कि स्टार्व कर रहा है और वो कीटोन्स बनाना शुरू करती है एनर्जी के सबस्ट्रेट्स के लिए। अब ये कीटोन्स बॉडी में बढ़ते जाते हैं, इधर एसिडोसिस होता है खूब सारा, शुगर के कारण ऑस्मोटिक डायोरेसिस होता है, जैसा मैनिटॉल देने से होता है वैसा ही, कोई भी बहुत हाई ऑस्मोटिक सब्सटेंस थिक करेगा सीरम को तो ऑस्मोटिक डायोरेसिस होगा, किडनी पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेगी, तो इसके कारण डिहाइड्रेशन होता है। ऐसा मानते हैं कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का जब पेशेंट आपके पास आता है तो करीब 6 लीटर फ्लूइड डेफिसिट में होता है। इसी पेशेंट को चूंकि सेल्यूलर भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, सेल में से भी पानी खिंच खिंच के बाहर आ रहा है इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, तो सेल डिहाइड्रेशन में है और इंट्रावास्कुलर स्पेस में थोड़ा सा पानी ज्यादा है, तो स्यूडो हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। पेशेंट का टोटल बॉडी सोडियम कम नहीं है लेकिन हाइपोनेट्रीमिया जैसा पिक्चर है, और एट द सेम टाइम इसको हाइपोकेलीमिया हो रहा है, शुगर बढ़ी के कारण पोटेशियम अंदर बाहर का खेल। तो ये सारे मैकेनिज्म है जिससे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। पर आपको क्या करना है, आपके पास पेशेंट आएगा, आते से ही आप उसको सबसे पहले ICU में भर्ती करेंगे, उसको मॉनिटर लगाएंगे, RBS चेक करेंगे, सिस्टर को कह देंगे कि हर घंटे आपको RBS चेक करनी है, सैचुरेशन मॉनिटरिंग करेंगे, और फिर हम देंगे क्या देंगे, भाई डायबिटिक है, कीटो एसिडोसिस में है, 4.5 की RBS है, सबसे पहले हम देंगे इंसुलिन। नहीं, सबसे पहले इंसुलिन नहीं देंगे, इंसुलिन देंगे तो हो सकता है पेशेंट मर जाए आपका, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया से नहीं मरने वाला है, लेकिन इस बढ़े हुए शुगर के कारण इसका जो पोटेशियम कम है, पोटेशियम सेल के अंदर चला गया है, ये हाइपरकेलीमिया इसको VT कर सकता है, ये हाइपरकेलीमिया इसको तमाम तरह की तकलीफें कर सकता है। पहली चीज, हम इंसुलिन नहीं देंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसको IV फ्लूइड्स। IV फ्लूइड्स में क्या देंगे, बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं, प्लाज्मा लाइट, काबिलाइट,
नहीं तो रिकमेंडेड फ्लूइड अगर ये नहीं दे सकते हैं तो सेकंड चॉइस नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन दें और खूब सारा दें। फिर एबीजी भेज देंगे, ब्लड केमिस्ट्री भेजेंगे, ईसीजी करेंगे, सीबीसी करेंगे। ईसीजी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉज ढूंढने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि एमआई के कारण डीके हो रहा हो। दूसरा कि जो सीवियरली डायबिटिक होते हैं उनमें कई बार चेस्ट पेन के बिना भी एमआई हो रहे होते हैं, वो भी डायग्नोस हो जाएगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईसीजी में आपको हाइपोकेलीमिया हाइपरकेलीमिया समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि हाइपोकेलीमिक चेंजेस हैं देन यू शुड बी इवन मोर वरिड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ढूंढेंगे ब्लड केमिस्ट्री में कि पोटेशियम कितना है। जब तक हमें कागज पे नहीं मिल जाए कि पोटेशियम 3.5 से ऊपर नहीं है तब तक इंसुलिन नहीं देंगे। अगर पता चलता है कि 3.5 से कम है पोटेशियम तो पोटेशियम रिप्लेस करेंगे, लेकिन जब तक पोटेशियम 3.5 से ऊपर नहीं है तब तक हम इंसुलिन नहीं देंगे। एक बार पता चल गया कि हाँ पोटेशियम नॉर्मलाइज्ड है 3.5 से ऊपर है तब इंसुलिन शुरू करेंगे। 0.1 यूनिट पर केजी इतना मुझे याद नहीं रहता, मेरा सिंपल फंडा है 70 किलो का आदमी है 7 यूनिट पर आवर चालू करेंगे, 60 किलो का आदमी 6 यूनिट पर आवर चालू करेंगे। कुछ लोग कहते हैं बोलस देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बोलस नहीं देना चाहिए। देना भी है तो यही 7 यूनिट का एक बोलस लगाओ फिर 7 यूनिट पर आवर पे शुरू कर दो। इंसुलिन स्टार्ट करेंगे और फ्लूइड रिसस्टेशन करेंगे। फ्लूइड रिसस्टेशन कैसे करेंगे, 20 ml पर kg से आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड देंगे हम। आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड मतलब बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन या नॉर्मल सलाइन देंगे। ईसीजी में भी हम देख सकते हैं कि पोटेशियम की क्या स्थिति, हमने बात कर ली। और जब तक हमारा ये फ्लूइड रिसस्टेशन हो रहा है और इंसुलिन स्टार्ट हुई है तब तक हम देखेंगे कि कॉज क्या है। अगर सिंपल सी बात थी कि इंसुलिन मिस हो गया था और उसके कारण हुआ है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, कवर हो जाएगा। पर अगर कुछ और कॉज है, कोई स्ट्रेस का फैक्टर है जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई यूटीआई है, कोई एमआई है, तो वो हमको ढूंढना है और कॉज को ट्रीट करना है। क्योंकि जब तक कॉज ट्रीट नहीं होगी तब तक आप उसकी शुगर को चेज करते रहो, एसिडोसिस को चेज करते रहो, तब तक कोई फायदा नहीं है। हायर एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे, हो सकता है कि उसको यूटीआई या न्यूमोनिया या कोई चीज़ हो, तो एक अच्छा एंटीबायोटिक हमें स्टार्ट करना है इस पेशेंट को। फिर दूसरी बात, इस पेशेंट का इंसुलिन इन्फ्यूजन हमने चालू कर दिया तो इंसुलिन का टारगेट क्या है। हमने इंसुलिन चालू किया, 2 घंटे बाद उसकी आरबीएस घट के 180 आ गई, तो क्या करें, इंसुलिन बंद कर दें? नहीं, इसका इंसुलिन इन्फ्यूजन का टारगेट आरबीएस नहीं है। आरबीएस कम भी हो जाए तो डेक्स्ट्रोज ऐड करो पर इंसुलिन चलने दो, ठीक है। इंसुलिन इन्फ्यूजन का टारगेट है तब तक देना है जब तक कि हाइपरग्लाइसीमिया नहीं, एसिडोसिस करेक्ट हो जाए तब तक। यानी कि जब बाइकार 15 से ऊपर आ जाए, पीएच 7.3 से ऊपर आ जाए, एनआईएन गैप 12 से कम हो जाए तब तक हमको इंसुलिन इन्फ्यूजन चलाना है। हम हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम एसिडोसिस ट्रीट कर रहे हैं। फिर अगर आरबीएस 250 से कम है तो फ्लूइड में डेक्स्ट्रोज ऐड कर दो पर इंसुलिन इन्फ्यूजन चलने दो। एसिडोसिस का क्या ट्रीटमेंट करना है, एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में हम फिर आप कहोगे सोडा बाइकाप देते हैं, बिल्कुल बढ़िया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सोडा बाइकाप दे सकते हैं। हाँ हाँ दे सकते हैं, सोडा बाइकाप दे सकते हैं केवल 3 स्थितियों में, जब आपका मरीज ऑलमोस्ट मर गया हो, मरने वाला हो, इतना सारा हाइपरकेलीमिया है कि उसको अरेस्ट होने वाला है, सीवियर हाइपोटेंशन में है, शॉक में है, ऐसी स्थितियों में सोडा बाइकाप देना है। अदरवाइज सोडा बाइकाप देने से कोई भला नहीं है इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, इसको करेक्ट करना है फ्लूइड से। इसको सोडा बाइकाप से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आपने किसी को सीवियर एसिडोटिक पेशेंट को सोडा बाइकाप दिया, वो अंदर जाके क्या करेगा, वो CO2 बनाएगा, एसिडोसिस को और वर्सन करेगा। आपका पेशेंट वैसे ही अपने रेस्पिरेशन के पीक पे चल रहा है, वो हाफ रहा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, वो कुस्मॉल्स ब्रीदिंग कर रहा है, 30 के रेट पे ब्रीथ कर रहा है, उसको आप और CO2 बढ़ाने की कोशिश करोगे, इट इज़ नॉट वर्थ इट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कैसे कंपनसेट करता है पेशेंट, हाइपर वेंटिलेट करके, CO2 वॉश आउट करके। आप उसको CO2 ऐड करो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इट। अनलेस अंटिल कि पेशेंट आपका एसिडोसिस के कारण कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, सीवियर हाइपरकेलीमिया है कि पोटेशियम को आपको को अंदर करने के लिए आपको एल्कलाइन करना है पीएच को, देन ओनली इट शुड बी कंसिडर्ड, अदरवाइज नो सोडा बाइकाप फॉर श्योर। फिर अगर मान लीजिए पेशेंट बहुत सिक है, गड़बड़ है, तो क्या इसको इंट्यूबेट कर दें? कोशिश करें कि एसिडोसिस के पेशेंट को बिल्कुल इंट्यूबेट न किया जाए। एसिडोसिस के पेशेंट को, सीवियरली सिक पेशेंट को इंट्यूबेट करना मौत को दावत देना है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी 30 के रेट पे ब्रीद कर रहा है, आप वेंटिलेटर पे 30 के रेट पे उसको ब्रीद नहीं करा पाओगे। अगर इंट्यूबेट करना ही है तो जो सबसे सीनियर आदमी है वो इंट्यूबेट करेगा। ऐसा नहीं कि अपन अपने जो सबसे जूनियर है उसको चल आज तेरे को इंट्यूबेशन सिखाता हूँ, नो, ही इज नॉट द पेशेंट। 15 सेकंड में ट्यूब डालो, जल्दी से वेंटी कनेक्ट करो, बैक करना शुरू करो। 10-20 सेकंड के लिए भी जो वो एपनिया में रहेगा, उस CO2 राइज से जो पीएच फॉल होगी, ऑलरेडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, ऑलरेडी वो क्लिफ पे हैंग कर रहा है, वो गिर जाएगा उस साइड। डोंट इंट्यूबेट हिम प्रेफरेबली।
If intubation is needed, it should be really rapid sequence intubation. It should be done very quickly and it should be done by the most expert person in the room. Then intubate नहीं करें, कर भी दिया है, अगर करना ही पड़ गया है तुरंत उसको वेंटिलेट करें. वेंटिलेट करके रेस्पिरेटरी रेट कम से कम 30 का रखें क्योंकि आपको कुछ मॉल से मैच करना है उसे. फिर अगर आपको ये एसिडोसिस का वीडियो देखना है तो मैं एक वीडियो और ऐड कर दूंगा, वो देखें. YouTube पे भी अवेलेबल है मेरा एसिडोसिस का वीडियो, शायद कुछ तो भी नाम है उसका, ICU की हत्यारे जैसा कुछ तो भी. उसको देखना है, इंट्यूबेशन, हाउ टू डू इंट्यूबेशन इन अ सिक एसिडोटिक पेशेंट. फिर उसके बाद कभी कभी कुछ पेशेंट्स में, यूजुअली एडल्ट्स में नहीं होता, सेरिब्रल इडीमा हो सकता है, तो आपको पेशेंट का मेंटल स्टेटस टाइम टाइम पे देखते रहना है. यदि आपको लगता है कि पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर हो रहा है तो उसका MRI करा के या CT करा के प्रूव नहीं करेंगे कि ब्रेन इडीमा है, मान के चलेंगे कि ब्रेन इडीमा है. और ऐसे में उसका IV रोकेंगे, हेड एंड को एलिवेट करेंगे और ऑस्मोटिक डायोरेसिस करेंगे मैनिटॉल से. यूजुअली नहीं होता है, एडल्ट्स में नहीं होता, बच्चों में होता है, पर फिर भी जस्ट फॉर द सेक बता दूं कि अगर पेशेंट बहुत डिटीरियोरेट हो रहा है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट अगर अल्टर्ड सेंसोरियम में जा रहा है तो कंसिडर करो कि कहीं उसको सेरिब्रल एडीमा तो नहीं हो रहा है. तो बड़ी जल्दी जल्दी लेक्चर हमने खत्म किया है ऑलमोस्ट 10-11 मिनट में. समराइज करता हूं इसको कि हमें फ्लूइड से स्टार्ट करना है, इंसुलिन से नहीं करना है. दूसरी बात, पहले पोटेशियम करेक्ट करेंगे, अगर कम है तो उसको सप्लीमेंट करेंगे. इंसुलिन तब तक देनी है जब तक एसिडोसिस रिजॉल्व नहीं हो जाए. इंसुलिन का टारगेट शुगर नहीं है, एसिड है. सोडा वाइकाप प्रिफरेबली नहीं देना है, फ्लूइड से करेक्ट करना है चीज़ों को. सेरिब्रल इडीमा के लिए वॉच करना है. आज के इस लेक्चर में इतना ही. इंट्यूबेशन वाला वीडियो भी साथ में लिंक अटैच कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखना. और इस लेक्चर का रिव्यू व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, नहीं तो ऐप में रिव्यू में डालना, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे समझ में आएगा कि और क्या टॉपिक्स बनाने हैं, और आपके फीडबैक से ही समझ में आएगा कि टॉपिक्स में कैसे चेंज करना है, टीचिंग के पैटर्न में क्या करना है. तो आज के लिए बस इतना ही. 12 मिनट में लेक्चर खत्म कर रहा हूँ. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको शायद 1-1.5 घंटे ICU कोर्स में पढ़ाया है, और 1-1.5 घंटे का और एक लेक्चर बनाने की सोच रहा हूँ ICU कोर्स वालों के लिए, कि जिसमें ABG को और अपन डिटेल में समझेंगे कि अननॉन एनायन गैप क्या है और एनायन गैप क्या है और किस में क्या करना है. पर 1% बेटर के लिए 15 मिनट में जितना आपको आना चाहिए वो मैंने पूरा सिखाया है DKA. आज के लिए इतना ही, कल फिर.